हैं। शुरुआत करेंगे आज बड़ी खबर के साथ, क्योंकि खेल प्रेमियों के लिए भी एक बड़ी खबर है और साथ ही साथ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक मैच को देखते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ, और वो मैच कौन सा होगा आपको बताएंगे जरूर, लेकिन स्पेशल रस्से स्टेडियम का जायजा भी लिया जाएगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर मैच होगा जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मौजूद रहेंगे, और ये तस्वीर बखूबी आज नजर आने वाली है। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट होने जा रहा है। गुजरात के सीएम इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले चुके हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी वहां पर मौजूद होंगे, यानी नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मौजूद रहेंगे जब इस टेस्ट मैच को देखा जाएगा। बखूबी जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो गुजरात के सीएम की है, भूपेंद्र भाई पटेल की, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का पहले ही जायजा ले लिया गया है जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम वहां पर पहुंचेंगे और इस शानदार मैच को देखते हुए नजर आएंगे क्योंकि चौथा मैच होने जा रहा है। इससे पहले तीन मैचों का आगाज हो चुका है लेकिन आज जब चौथा मैच होने जा रहा है तो वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसको और खास बना देगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन टीम विजेता रहेगी। विजेता क्या ऑस्ट्रेलिया टीम रहेगी क्या फिर भारत की टीम रहेगी, लेकिन यह कहा जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे तो उसमें एक साझा बातचीत की तस्वीर तो हमने देखी है, लेकिन ये रोमांचक होने जा रहा है स्टेडियम के अंदर दोनों की तस्वीर जब नजर आएगी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि विदेश रणनीति किस तरीके से भारत अपनी बना रहा है जिसकी सराहना तमाम देश कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से एक मंच पर G20 के विदेश मंत्री मौजूद रहे थे, जब भी हमने देखा कि भारत की ताकत कैसी नजर आ रही थी जब दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा था। डॉक्टर अजय तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में। आज हालांकि मैच की खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं लेकिन वो खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम की मौजूदगी होगी। क्या कहते हैं आपकी 2024 से पहले ऐसी तस्वीरें और देश भर के अंदर जब हम देखते हैं कि ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो विदेश रणनीति को वो और मजबूत करती हैं जो आगे आने वाले समय में प्रभावशाली रहती हैं। जी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को और विदेश में जो भारतीय हैं उन सभी व्यक्तियों को होली जो बीती है उसकी बधाई, और अच्छी होली बीती होगी हमें उम्मीद है जी। लेकिन अभी जो आपने कहा मोदी जी ने वाकई कमाल कर रखा है, आप 2024 के चुनाव को जीतना और रणनीति को बनाना अगर कोई व्यक्ति सीखे तो मोदी जी से सीखा जा सकता है कि मोदी जी बोलते कैसे हैं, मोदी जी कब टोपी पहन लेंगे, मोदी जी कब गाना गा देंगे, मोदी जी कब विदेश में क्रिकेट खेलेंगे, कब तबला बजाएंगे, कब क्या करेंगे। मोदी जी में यही तो खूबी है, मोदी जी में लोगों के दिल को जीतने की कला जो है ना ये बाखूबी आती है, इसीलिए मोदी जी का नाम पूरे विदेश तक और देश विदेश तक फैला है और ये सबसे लोकप्रिय नेता है। निश्चित तौर से इसका फायदा 2024 में के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में आएगा और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं और नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे और ले रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि 2024 से पहले जब ये तस्वीर नजर आ रही तो इसका प्रभाव आगे आने वाले समय में पड़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं आप क्योंकि इससे पहले हमने कई विदेशी नेताओं की तस्वीरें जब देखी हैं देश के अंदर तो देखा है कि किस तरीके से ग्राफ बढ़ा है आगे आने वाले समय में बीजेपी का, वही तस्वीरें कहेंगे बखूबी कि हाँ ऐसी ही होंगी। निश्चित निश्चित ग्राफ बढ़ेगा क्योंकि आप देखिए अभी जो 7 चुनाव होने वाले थे जिसमें से अभी 2-3 चुनाव हुए हैं, आपको चुनाव के नतीजों से ही अंदाजा लग जाएगा कि मोदी जी का ग्राफ फिर से बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बढ़ेगा क्योंकि बहुत से ऐसे पार्टियां हैं जो बढ़ने पा नहीं रही हैं, जो अपने सही मांग को उठाना चाहिए, सही जनता में जाकर के जनता की बात को उठाना चाहिए वो उठा नहीं पा रहे हैं, और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जेल जा रही हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो विवादों में घिरी हुई है, धन बटोरने के
केस में जुटी हुई है और परेशान है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा अपना 2024 का गेम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे समय निकाला। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि तस्वीरें काफी प्रभाव डालेंगी 2024 के अंदर भी, हालांकि विदेश रणनीति भारत की बहुत प्रबल रही है और वो तस्वीर समय समय पर हमें देखने को मिली है और उसी का हिस्सा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो मंच पर मौजूद रहेंगे, जो तस्वीरें हमने पहले देखी लेकिन आज स्टेडियम के अंदर भी उनकी मौजूद